Hello friends, how are you? Today we are read about Alfred Lord Tennyson. Dear friends, जैसे कि आप जानते हैं कि हम सभी जो हैं TGT, PGT और GIC lecturer और junior में जो vacancy निकली हुई है English की, उस सभी की हम अंग्रेज़ी की जो है तैयारी कर रहे हैं, preparation कर रहे हैं। तो इसमें हमारा आप जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का है, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते रहें और जो है अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप पर शेयर करते रहें। ओके, तो कम टू द पॉइंट। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन वाज बॉर्न ऑन 6 अगस्त 1809 एंड डाइड ऑन 6 अक्टूबर 1892। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन वाज अवार्डेड द चांसलर्स गोल्ड मेडल एट कैम्ब्रिज इन 1829 फॉर वन ऑफ हिज फर्स्ट पीस टिम्बकटू। इन्होंने अपने पहले ही एक पीस नॉवल लिखा टिम्बकटू, उसके लिए चांसलर अवार्ड जीता था। ठीक है, तो देखिए हम इसके बारे में ज़्यादा और नहीं पढ़ेंगे, बाकी इनका जो वर्क है, देखिए रेड अंडरलाइन जो करी हुई है इसको पढ़ लेंगे। ही स्टडीड एट द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वेयर ही वाज अवार्डेड द चांसलर मेडल फॉर पब्लिशिंग ए पोएम ऑन टिम्बकटू In 1829, in 1850 he was appointed the poet laureate of England in succession to Wordsworth. Okay. देखिए अब जो है इनका हम वर्क देखेंगे, what is the work of Alfred Lord Tennyson? The longer poem. द लेडी ऑफ सैलॉट, द मिलर्स डॉटर, सेनॉन, लेडी क्लेरा, वेरे डी वेरे, द मे क्वीन, द लोटस ईटर्स, ए ड्रीम ऑफ फेयर वुमेन, मॉट डी आर्थर, द गार्डनर्स डॉटर, यूलिसिस, लॉक्सले हाल 60 ईयर्स आफ्टर, सर लॉन्सलॉट एंड क्वीन गुनीवर, द बेगर मैड, इनोक आर्डन, द प्रिंसेस, द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड, डोरा, इन मेमोरियम, आइडिलस ऑफ द किंग, द कमिंग ऑफ आर्थर, द लवर्स टेल, ड्रामास, द मोनोलॉग, माउथ, ए मोनोड्रामा, क्वीन मैरी, हैरोल्ड, बेकेट, द कप, ए ट्रेजेडी, द फाल्कन, द प्रोमिस ऑफ मे, द फॉरेस्टर्स, रॉबिन हुड एंड मैड मारिया, लिरिक्स, सोनेट्स एंड अदर शॉर्ट पोएम्स, द टू वॉइसेस, न्यू ईयर्स ईव टू अल्फ्रेड टेनिसन, मे ग्रैंडसन, द रिवेंज, द स्लीपिंग ब्यूटी, सर गैलाहैड, बोडिसिया मिल्टन, द ब्लेज वाइफ, द डिफेंस ऑफ लखनऊ, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, कोलंबस, एयरली स्प्रिंग, चैरिटी, क्रॉसिंग द बार, टिम्बकटू, द ग्रास हॉपर, ए ड्रीम ऑफ फेयर वुमेन, द ब्रूक, द सॉन्ग ऑफ द लोटस, रिक्वेस्ट कैट, द सेलर बॉय, अकबर स्टॉम्ब, पोएम बाय टू ब्रदर्स,
poems chiefly lyrical. तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम इनके जो हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को रिवाइज कराएंगे. ओके, तो पहला क्वेश्चन है, टू विच एज डेड टेनिसन बिलोंग टू द एज ऑफ विक्टोरिया. ये जो है एज ऑफ विक्टोरिया के ही हैं टेनिसन. अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो है विक्टोरिया एज के पोइट. क्वीन विक्टोरिया सक्सेसेड टू द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड आफ्टर विलियम फोर्थ. द गोल्डन जुबली ऑफ क्वीन विक्टोरियाज रीगन वाज सेलिब्रेटेड इन 1887. क्वीन विक्टोरिया बिकम द एम्प्रेस ऑफ इंडिया इन 1876. टेनिसन वाज अपॉइंटेड पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड आफ्टर विलियम बर्ड्स बर्थ. इन मेमोरियम टेनिसन मॉर्न्स द डेथ ऑफ आर्थर हैलम. हाउ मैनी ईयर्स डिड टेनिसन टेक इन ब्रूडिंग ओवर एंड फिनिशिंग इन मेमोरियम. तो 17 years. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड मे देयर बी नो मॉर्निंग ऑफ द वार व्हेन आई पुट आउट टू सी. दीज लाइन्स ऑकर इन टेनिसन्स क्रॉसिंग द बार. लेट नॉलेज ग्रो फ्रॉम मोर टू मोर बट मोर ऑफ रिब्रेंस इन यूज ड्वेल दैट माइंड एंड साउल अकॉर्डिंग वेल. मे मेक वन म्यूजिक एज बिफोर. दीज लाइन्स आर क्यूटेड फ्रॉम टेनिसन्स इन मेमोरियम. What do these lines imply? तो compromise between knowledge and faith. Tenth है, Tennyson's Queen Mary is a drama. The theme of Tennyson's Idylls of the King is the story of King Arthur and his Round Table. 12th है, which of the following poets speaks of nature as read in Tooth and Claw Tennyson. When Tennyson died, a copy of Shakespeare's play was found lying under the cover of his bed. Which was that play symboling? Which of the following is a poem written by Tennyson? The Lotus Eaters. Which of the following poem of Tennyson's won him the Chancellor's Medal at Cambridge, Timbuktu? Queen Guinevere is a character in one of the following poems of Tennyson. Which of the following? Passing of Arthur. Queen Guinevere falls in love with one of the following knights. Which of the following? Lancelot. Tennyson's idealized married life in The Miller's Daughter. Tennyson generally portrays women as gentle and refined. Tennyson's Enoch Arden is a narrative poem. What is the general message that Tennyson gives through his poetry, faith and hope? Lancelot is an important character in Idylls of the King. The only knight of the Round Table who remains alive after the passing of Arthur is Bedi. Tennyson himself calls Maud a monodrama. Tennyson, the cup is a tragedy, for man may come and man may go, but I go on forever. From which poem are these lines quoted? The Brook. That God which ever lives and loves on God, one law, one element and one power of divine event to which the whole
crescent moves. This is the closing stanza of one of Tennyson's poems, which won In Memoriam. Tennyson has written a poem on the tomb of a Mughal emperor on whose tomb Akbar. Tennyson has written a poem on a city of India, which city? Lucknow. Next question hai. There she bathes by night and day, a magic babe with colors gay. She has heard a whisper say, a curse is on her if she stay. From which poem are these lines quoted? The Lady of Shalott. 31st question hai. Canons to right of them, canons to left of them, canons in front of them, volleyed and thundered. From which poem are these lines quoted? Charge of the Light Brigade. Last question hai. King. Last question 32 hai. King Cophetus is a character in The Beggar Mad. तो डियर फ्रेंड्स, इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें. आपके लिए रोज़ नई से नई वीडियो मिल रही है, तो आप इसे लर्न करते रहें, अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करते रहें. ओके, गुड बाय. और देखिए, इस चैनल को ज़्यादा से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें. ओके, गुड बाय, टेक केयर.